आज हम है जी पटियाला में, पंजाब में, और हम यहाँ पे हैं जी सानी साहब के पास। सानी साहब सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल जी, क्या हाल चाल है सर? सानी साहब साल हो गया आपसे मिले हुए, और आपके यहाँ का खाना है ना, मैं उसकी वजह से स्पेशली यहाँ पे पटियाला में आया हूँ आपके पास। पटियाले आए। थैंक यू सर, थैंक यू जी, बड़ी खुशी हुई जानू आए। थैंक यू सर, जो आपने उस बार खाना खिला दिया था ना, नशा चटा दिया था, और इस बार उसकी जो तलब हुई है, तो हम वापस आए आपके पास, और आपका जो यहाँ का खान पान है वो ट्राई करेंगे। आज सब कुछ नया दिखाते हैं सर, अपने पूरे परिवार को सब कुछ नया दिखाते हैं। तो सबसे पहले अंकल जी, ये क्या पड़ा हुआ है जी? ये जी मिक्स सब्जी है, मिक्स वेजिटेबल। ये है जी मिक्स वेज, और भाई इसकी पकाई देखो। सब पहले फ्राइड किया जाता है। अच्छा जी, फ्राइड करने के बाद कुकिंग किया जाता है, मतलब पहले सब फ्राई करके फिर इसको आप तड़का लगा। फ्राई करने के बाद इन कुकिंग की जाती है जी, तड़का लाया जाता है सारा कुछ। ये देखो एकदम बढ़िया मिक्स वेज है जी, पनीर है। ये कौन सा वाला? चीज टोमेटो है जी। चीज टोमेटो है, चीज टोमेटो बन रहा है। और इधर देखो भाई, ये है जान इस ढाबे की, ये दाल मखनी है जी, अमृतसरी दाल जिन्हें बोलते हैं। वाह 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 वाह, आइकॉनिक है ये दाल मखनी भाई, ये खाने आ जाओ यहाँ पे। अंकल जी कितने घंटे लगा के पकाते हैं? 8-9 घंटे लगते हैं तैयार होने पूरी सही तरह। कहने की बात है 8-9 घंटे की, सच्ची में होता है? मठे सेत रखेंगे, घट सेत रखेंगे जी, और टाइम तक लगेगा जी। फिर पकाई के ध्यान रखना पैंता है, थल लगना चाहिए। अच्छा, इन्हू बार बार खोचे लगाने पैंते हैं, बार बार सेवा करनी पैंती है, कहाँ निकलती है। मतलब ये ऐसी बुजुर्ग दाल है जिसके घुटने आपको दबाने पड़ते हैं, घुटने दबा के बनानी पड़ती है, थोड़ी जिद्दी होती है ना, टाइट होती है। जी 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 जी, शीरी ता बनेगी ना, आराम में पकेगी था। वाह, ताई शीरी बनती है। वाह जी वाह, शीरी या मिश्री तभी बनेगी जब आप इसको अच्छे से बनेगी। ये जी कड़ी पकौड़ा, जिन्होंने पंजाबी कड़ी पकौड़ा कहते हैं। पकौड़े जड़े हैं मिक्स वेजिटेबल पकौड़े बनते हैं, आलू प्याज के पकौड़े और पालक पुलक डाल के बनते हैं। जबरदस्त यार, ऐसे पकौड़े और ऐसी कड़ी शायद आपको पंजाब में नहीं मिलेगी। जो प्रेपरेशन है आपकी सारी की सारी, जैसे कह रहे थे आप पिशौरी हैं या बैकग्राउंड जो पिशावर से है, ये उसकी वजह से है या पटियाला में आके आपने सीखा है? जड़े मेरे फादर सी ना जी, जी। वो रावलपिंडी दे सी। अच्छा जी, उन्होंने खान दा ते बनांदा बहुत शौक सी। जी 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 जी, ड्राइविंग ते करदे सी ओ जी, पर खान पीन दा बहुत शौकीन सी। अच्छा जी, हरेक चीज बनांदे सी, तो दसदे हुंदे सी कि आ चीजां पैंदियां, चीजां पानी है तुसी जी, उस हिसाब ना चलते जा रहे हो, अगे बच्चे करते जा रहे हैं, मेरे बेटे भी शेफ है। वाह, ये जो आपका जो एक तरह से विरासत में आपको मिला है, खानदानी है जी, तो मेरे फादर का मैं कर रहा हूँ, बच्चे कर रहे हैं। जी जी, चल रहा है, तो विरासत में मिला है, इतना बढ़िया। ओहो, राजमा देखो भाई, अंकल जी इधर को गिरा के दिखाइए जरा। ओ हो भाई, मुझे पता है अगर आप वीडियो देख रहे हो, आपके सामने कुछ खाने को नहीं है, आपके मुंह में पक्का पानी आने वाला है, और कुछ ना कुछ आप लेके आने वाले हो। तो राजमा अगर है फ्रिज में तो भाई निकाल लो, और अगर नहीं है तो यहाँ पे आ जाओ। चना मसाला है जी, ये इधर है जी चना मसाला विद पनीर। विद पनीर, ओहो, और चना भी काबली चना है जी, ट्रिपल डॉलर जिन्होंने पंजाबी बोलते ना अपना पिशौरी काबली चना जी, वो चीज है। ये ट्रिपल डॉलर है? ट्रिपल डॉलर। अंकल जी आपने काफी लाख डॉलर तो ऐसे बर्तन में रखे हुए हैं। लोबिया होता है जी, लोबिया। लोबिया भी ढाबे पे मिल जाएगा आपको इस ढाबे पे। लोबिया बनता है अंकल जी, दो तीन दाने दिखाओ इसके बढ़िया गिरते हुए। ओए होए 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 होए, लोबिया भी अंकल जी, लोबिया बहुत कम कहीं ढाबे पे मिलता है। साढ़े को तकरीबन लोकल है ना सारे। जी जी जी, डिमांड होती है लोगों की जी, तो हिसाब ना एक दिन छड़ के बनाते हैं जी, कभी लोबिया बना लिया जी, कभी और कोई आइटम बना ली, जैसे आलू मटर हो गया, और आइटम बना ली। जिनको नहीं पता लोबिया क्या होता है, लोबिया कैसे समझाएंगे? रोंगी वाला जो दाना है वो होता है? हां यस, रोंगिया के, रोंगिया समझाते हैं, छोटा राजमा होता है उसको बोलते हैं रोंगिया, चिट्टा राजमा। वाह, और इधर देखो भाई, अभी तो खाना बहुत बाकी है, देखते जाओ। ये मूंगी धोती की दाल है जी। ओहो, जो जिनको हल्की दाल बोलते हैं, जी जी जी, खाओ शाम को, खाओ रात को खाओ, ये लिवर स्पेशलिस्ट दाल है। ब्रेकफास्ट करो भाई, ये लिवर के लिए सुकून देने वाली दाल है। और ये है जी गोभी, आलू गोभी। आलू गोभी है जी जी, जिन्होंने अपना भाई 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 फ्राइड गोभी बनती है जी, जबरदस्त है एकदम, बहुत ही बढ़िया। और ये पालक है जी, इधर आ गई जी ये पालक, पालक तड़का, पालक तड़का मैच किया था जी। और इसमें अंकल जी आप चने वगैरह भी डाल देते हैं, चना मसाला या कुछ ऐसा? कस्टमर की डिमांड होती है, जैसे चना डालना है, पालक डालना है जी, कोफ्ता डालना है जी, सब कुछ ऐड हो जाता है। ये ग्रेवी है जी, मलाई कोफ्ता ग्रेवी है, मलाई कोफ्ता ग्रेवी है। इसमें कोफ्ते डाल के सजा के देंगे, और ग्रेवी का जो कंसिस्टेंसी है ना वो चेक करो आप। ये हमारी होटल की फेमस आइटम है सोया चिल्ली। ओ भाई, सोया चिल्ली, सोया चिल्ली, ये तो अंकल जी कहीं मैंने खाई नहीं है, ये पटियाला में मिलती है सिर्फ? ये हमारे पास ही मिलती है, और कोई पटियाला में शायद बनाता ना। अरे वाह, ये देखो यार सोया चिल्ली चेक करो आप, जबरदस्त एकदम, सोया चाप ग्रेवी। ओ भाई, सोया चाप ग्रेवी एक ढाबे पे,
जैसे इसके साथ कुलचा मिल जाए तो और क्या चाहिए यार। कुलचा भी हमारे पास है। एक बार ग्रेवी दिखाइए अंकल जी, इसमें तो काजू मगज वगैरह बहुत डाला हुआ। ये भी बड़े प्यार मोहब्बत से बनाते होंगे अंकल जी। ये कोफ्ता है। अच्छा ये कोफ्ता है। ये कोफ्ता डाल दे एक प्लेट में। अंकल जी ये तो कबाब लग रहा है। कबाब नहीं, कोफ्ता है, पनीर कोफ्ता। पनीर कोफ्ता है, पनीर कोफ्ता विद ड्राई फ्रूट जी। इसको आप मतलब इसमें ग्रेवी, इसी ग्रेवी में डालते हैं? ग्रेवी में यूज करते हैं। ओके 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 ओके, बहुत बढ़िया। मटर है जी। अच्छा ये आलू मटर, मटर तरी, मटर पनीर, आलू मटर सब कुछ यूज होता है। वाह वाह वाह। और अंकल जी एक चीज बताओ, ये ढाबा पुराना कितना है? क्योंकि जो वाइब है इस ढाबे की एकदम बढ़िया पेंट हो रखा है। कितना पुराना ढाबा है ये? ढाबा तो तकरीबन 60-65 साल पुराना है। 60-65 साल। 12 साल की उम्र में यहाँ आया था मैं। आप 55 साल मेरे को यहाँ पे हो गए। अच्छा 55 साल की उम्र है मेरी। अंकल जी आपकी 53 साल की एज है। 53 और आप 13 साल की एज में आए थे? आए थे। अरे वाह यार वाह। 55 साल काम करते करते यहाँ पहुँच गए। वाह जी वाह। और अंकल जी इतने सालों में आपने बहुत कुछ बदलते हुए देखा होगा। वो तो जिंदगी बदल गई सारी। जी जी जी। 13 साल की एज में जब आप आए थे तो आपको खाना बनाने का शौक था या खाना खाने का शौक था? खाने का शौक था, बनाने का भी शौक था। अच्छा 13 साल की एज में। खाता जाता हूँ मैं। अरे वाह। और अंकल जी मतलब आपकी जो सेहत है एकदम फिट हो आप, साथ में खाते भी हो, उसको हजम भी करते हो। तुरना फिरना, घूमना फिरना, चढ़ना उतरना जी सब रहता ना। बहुत बढ़िया। और अंकल जी किसी को अगर यहाँ पे आना हो इस ढाबे पे तो लोकेशन क्या है अपनी? लोकेशन है कार पार्किंग एसी मार्केट जी, अनारदाना चौक पटियाला जी। और टाइमिंग्स आपकी? 10 to 10, 10 से 10 बजे रहेगी, रात के 10 बजे तक। और कोई छुट्टी नहीं है? नॉन स्टॉप अमूल का मक्खन लागे लच्छे पराठे, अमूल मक्खन लगा के सारे लच्छे पराठों के ऊपर और फिर इनको सर्व किया जाता है यार, जबरदस्त। ये मिस्सी रोटी है जी। ओ भाई मिस्सी रोटी के ऊपर प्याज देखो, पंजाबी मिस्सी रोटी। वाह 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 वाह। पंजाबी मिस्सी रोटी के ऊपर ये लग गया जी इटालियन पिज्जा कटर और ये हो गई दो। ये थाली है, सानी थाली स्पेशल। ये सानी स्पेशल थाली है। हाँ जी। और ये कितने की अंकल? 200 रुपए का रेट है इसका जी। इसमें एक रहता है, अच्छा दाल मखनी है, मिक्स वेजिटेबल है जी, शाही पनीर है, चावल है, पकौड़ा है, मिस्सी रोटी है जी, अच्छा पराठा है। क्या बात है, 200 रुपए के अंदर पटियाला जैसे बड़े शहर में आपको ये वाली थाली जो है वो मिल जाएगी। और भाई इसके साथ मेरी फेवरेट चीज अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताओ, बहुत ही बढ़िया प्रिपरेशन है। और अभी हम ये ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो आप स्वाद बटांदरा देखो आज कितना बड़ा हो गया। ये 200 रुपए की थाली है, 200 के अंदर आपको दाल मखनी, ये मिक्स वेज, ये साथ में पनीर टोमेटो चीज टोमेटो है और ये रायता है, इधर सिरके वाला प्याज है, चावल है, पापड़ है, मिस्सी रोटी है, लच्छा पराठा है। भाई मुझे लग रहा है अभी तक पटियाला तक ना स्कीम पहुंची नहीं है कि महंगी भी थाली हो सकती है, 200 रुपए में भेज रहे हैं तो 200 रुपए के अंदर आपको ये मिल जाएगी। मैं ना मिस्सी रोटी की बाइट लेता हूँ यार, मिस्सी रोटी खाए बहुत दिन हो गए तो लो जी हियर्स अ बाइट। ये एक बाइट हमने उठाई, मैं तो दाल का दीवाना हूँ इनकी। और ये देखो ये भाई, मैंने बाइट अंदर डाली थी अच्छी भली और ये मतलब सिंगल पीस में वापस आ जाए, जैसे चाय में बिस्किट टूट जाता है ना वैसे बाइट दाल में टूट जाती है, इतनी ज़्यादा सब्सटेंशियल दाल है। हियर्स अ बाइट ऑफ द स्पेशल दाल मखनी, हियर गोज। ओ भाई ये देखो, मखमली जन्नत है ये। भाई जो दाल मखनी है ना इतनी ज़्यादा बढ़िया बनाई हुई है, पका पका के 8-9 घंटे में पकती है और उसमें मेहनत जाती है। और पटियाला में अगर आप ये दाल मखनी खाते हो इसके बाद आपको मतलब दाल मखनियाँ खाओगे आप और जगह पे भी, बट ऐसी वाली मिलना काफ़ी मुश्किल है। अगर आपने इससे बेटर दाल मखनी कहीं खाई है तो कमेंट करके मुझे बताओ, मैं वहाँ पे आऊँगा और ज़रूर ट्राई करूँगा और भाई आपको बताऊँगा कि ये या वो इससे बेटर है, बट अभी तक मुझे नहीं मिली है। सुपर दाल मखनी है। और मेरी एक और रिकमेंडेशन, अगर आप यहाँ पे आते हो तो भाई इनका वो जो ग्रेवी वाली चाप है ना वो ट्राई करना, वो देखिए मेरी दुनिया एंड है, नेक्स्ट लेवल है वो, बहुत ही बढ़िया प्रिपरेशन है। अगर आपने यहाँ पे ऑलरेडी खा रखा है तो कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा, अगर आपने नहीं खाया तो कमेंट करके ये बताओ कि कब आ रहे हो और कब खा रहे हो। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जिंदाबाद एंड साडी हरी थी, चौथा आजाद दिवस, दारे साडा पंजाब, दारे साडा हिंदुस्तान, जय हिंद। और अगर आप देखना चाहते हो इनकी पहले वाली वीडियो, जो भाई साहब इतना ज़्यादा प्यार दिया था आपने इस वीडियो को, तो भाई ये देखो।